अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आप दर्शन एकेडमी की रिक्रूटमेंट देखेंगे। ये एकेडमी जो है ये नासिक में है और इसके बहुत सारे स्कूल्स एब्रॉड में भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छा और रेप्यूटेड स्कूल है। और हम इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट की पोस्ट पर हम डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल पर पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को जाकर देख लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड रिक्रूटमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए जो इनको इनके स्कूल में काम करेंगे और एक अच्छा खासा आउटपुट देंगे। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, आपके पास अगर प्रॉपर क्वालिफिकेशन है आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से क्वालिफाइड होंगे और एक्सपीरियंस होंगे, आप बच्चों को आगे लेके आएंगे स्पोर्ट्स के फील्ड में भी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज आउट हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आउट हुई है, जैसे TGT, PGT, प्राइमरी टीचर, म्यूजिक टीचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी इन्होंने आउट की है, जिसमें BPED या फिर MPED वो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास BPED या MPED डिग्री है वो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। आपके पास क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रेफरेंस मिलेगा और प्लस आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी दी जाएगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस हुआ तो। जितने भी हम पोस्ट डिस्कस कर रहे हैं ये सारे परमानेंट पोस्ट हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है वो सारे कैंडिडेट के लिए जो जिनके पास BPED और MPED की डिग्री है। अब बात तो थी ये पोस्ट की, फिजिकल एजुकेशन टीचर की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अब हम देखेंगे कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना अपडेटेड रेज्यूमे 7 दिन के अंदर इस ईमेल आईडी में भेज दे, और वो ईमेल आईडी है jobs@darshanacademy.org। इस ईमेल आईडी में आपको अपना अपडेटेड रेज्यूमे भेज देना है। आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एकदम सही सही दे, क्योंकि वो आपको उसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। कैंडिडेट्स विद गुड एक्सपीरियंस ऑफ रेप्यूटेड स्कूल विल बी प्रिफर्ड एंड सैलरी नेगोशिएबल एज पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जितने भी बच्चों ने इससे पहले किसी भी रेप्यूटेड स्कूल में काम किया है, उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपका सैलरी जो होगा वो नेगोशिएबल होगा, यानी आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये जो नोटिफिकेशन है 38 मार्च 2022 को जारी की गई थी, यानी इसके 7 दिन के अंदर आपको ये अपना अपडेटेड रेज्यूमे स्कूल को भेज देना है, ताकि वो आगे के फर्दर प्रोसेस में जाए और आपको कॉल करे फॉर द इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट। इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने वो सारे डिटेल्स कवर कर लिए हैं जो आपको हेल्प करेगा आप स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर काम करने के लिए। इसमें हमने क्वालिफिकेशंस डिस्कस किए हैं, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में सारे डिटेल्स कवर कर लिए हैं, फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और उन सब के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।